उबैद आर्यान यतीम नहीं है, नहीं आर्यान यतीम, मैं पालूंगी उसे, मैं बनूंगी उसकी माँ। वो साथ जाएगा? ये कैसे सवाल पूछ रही तुम? अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी ज्वेलरी तुम्हारे साथ जाएगी तो क्या कहोगी तुम? और मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह पिंग पोंग की तरह कभी यहाँ कभी वहां रहे। मैं जाऊंगा तो मेरे साथ जाएगा, वरना मैं भी नहीं जाऊंगा। आज तक उसके माँ बाप ने रुबे थे, मैंने उससे बात नहीं की ऐसे, और मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं किसी को इतनी परमिशन नहीं देती कि मेरे बच्चे के साथ इस तरह बात करे, तुम्हें भी नहीं। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। मिस करती हूँ, कहती है रोहित मेरे बारे में पूछता ही नहीं है। अगर कोई आर्यान को गुस्से से देखे तो दिल चाहता है कि उसकी जान ले लूं। उसको लेके बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ मैं। हेलो, हेलो, कौन है? रोहित अंकल है। उन्हें कह दो कि हम सो रहे हैं। उफ, अब सारे काम मैं ही करूं क्या? तो कर दो ना। वो कह रही है कि वो सो रही है। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ सो रहे हैं सब, जानता हूँ। आप मुझे कहानी सुनाएं। अच्छा ठीक है, सुनाता हूँ एक स्टोरी। Once upon a time there was a prince, a very handsome prince, who fell in love with the princess. लेकिन princess थोड़ी सी पागल सी थी, हर वक्त चिल्लाती रहती थी, और वो जानती थी कि prince बहुत अच्छा है, लेकिन डर जाता है, इसलिए वो उसे डराती रहती थी। ये सारी कहानियां झूठी होती है, गूगल यही कहते हैं रोहित अंकल। क्या तुम कभी प्रिंसेस से मिले हो? ये तुम्हें पता होगा। हाँ मैं मिला, मैं जानता हूँ। लेकिन अब सुना है कि वो प्रिंसेस चुड़ैल में तब्दील हो चुकी है। वैसे आई डोंट नो, लेकिन फॉर सम रीजन सारी प्रिंसेस ना अल्टीमेटली ऐसी ही हो जाती है, चुड़ैल बन जाती है। अब बहुत हो गया, अब आप सो जाओ। जाओ आइस क्लोज करो। अम्मा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? होगा क्या बेटा, गरीब की भी कोई जिंदगी होती है। कभी यहाँ से किसी ने धुतकार दिया, कभी वहाँ से किसी ने बातें सुना दी, तुमने देखा नहीं, नीचे हमसे किसी ने मशवरा तक नहीं लिया, पूछना तक गवारा नहीं किया। नोट होते तो मशवरा भी सुनता कोई। घर बेच के छोटा सा घर ले लेंगे तो क्या ऐसे गए गुजरे हैं कि आर्यान को भी नहीं देख सकते? अम्मा तुम तो बस रहने ही दो, समर बाजी से बना कर रखी होती ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब हमारा कोई चांस नहीं बनता, और नीचे तो कोई और ही फिल्म चल रही है। अच्छा, आर्यान नहीं हुआ मुफ्त का माल हो गया, हर कोई हाथ साफ करने पर तोला। तो बेटा खबर रखना, सबसे करीबी रिश्ता तेरा ही है, यही वक्त है नंबर बनाने। अम्मा मामू हूँ मैं उसका, हद करती हो।
हेलो, इसको क्या हो गया? सब अपने किए जा रहे हैं। जल्दी से दूसरे सीन की तैयारी शुरू कर दें। हाँ मैं। हाय। हाय। आज आर्यन नहीं आया शूट पे? नहीं। लंच पे चलें? नहीं। समर, उस दिन जो कुछ हुआ तुम उसको गलत समझियो। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पता है और भी आर्टिस्ट अपने बच्चों को शूट पर लेकर आते हैं, और आर्यन तो हमारा बच्चा है ना। लेकिन तुमको नहीं है मुझ पर भरोसा। तुमको लगता है तुम्हें छोड़कर आर्यन की सारी दुनिया दुश्मन है ना? बस अमर, हमारी मंगनी उस बच्चे के आने से पहले हुई है। उस बच्चे की वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब मत करो प्लीज। शॉट रेडी है, मैं थोड़ी देर में। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर एक महीने में आर्यन का किस्सा खत्म नहीं हुआ तो वो ये मंगनी तोड़ देंगे। और रुएद, अगर ऐसा हुआ ना तो तुम देखना मैं नहीं बचूंगी। अम्मी, मैं आप लोगों की ब्लैकमेलिंग में आके ना आर्यन को अबैंडन नहीं करने वाला, प्लीज। रात को भी तुम कहानी पर नहीं आए, कहाँ थे? निशा बेचारी कितनी देर तुम्हारा इंतजार करती रही। अम्मी, आर्यन के पास था ना, वहीं खाना खा लिया था। ओके बेटा, लेकिन बता तो देना चाहिए था ना। अब आर्यन के पास जाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, क्या पका था वो, क्या खाया? एक्चुअली बहुत कुछ था और बहुत अच्छा भी बना हुआ था। समर काफी ख्याल रखती है आर्यन का। समर, क्या भैया भाभी सब बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत खुश रखते हैं उसे। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता उसके लिए, और आप भी नहीं पूछती उसे। अजीब सी बात है, आप दादी हैं लेकिन आपकी कोई बॉन्डिंग ही नहीं है उसके साथ। मुझे बहुत अजीब लगता है, इतना दिन हो गए हैं आप और निशा मिलने भी नहीं गए उससे, ना हाल चाल पूछा उसका। ये शगुफ्ता के दिल में अचानक जो मोहब्बत जागी है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। लेकिन हाँ, मोहब्बत का कुछ कह भी नहीं सकते। कब अचानक से एक मीठी सी करवट ले और जाग जाए और आप दीदा कर दे। आओ आओ आओ। हेलो, कैसे हैं आप? मैं निमो बात कर रही। हाँ ठीक ठाक, तुम सुनाओ। आप भी मेरे बेटे की तरह 100% समर से डरते हैं। आपने उससे बात की कि बच्चे को बोर्डिंग भेज दे? जब तक वो नहीं जाएगा मेरा बेटा भी यहीं फंसा रहेगा। करता हूँ कुछ तदबीर, करता हूँ, परेशान नहीं हूँ। मेरी बीवी बहुत ख्याल रखती है बच्चे का। आप और मैं एक ही कश्ती के सवार। जब तक रोहित की शादी नहीं हो जाती मैं कनाडा नहीं जा सकती। आर्यन की वजह से सब कुछ चौपट होकर रह गए। कह रहा हूँ ना, करता हूँ कुछ, परेशान मत। ठीक है। टेड ने साफ साफ कह दिया है अगर आर्यन का किस्सा एक महीने में खत्म नहीं होगा तो
तो वो मेरी मंगनी खत्म कर देंगे और फिर मेरी शादी कहीं और कर देंगे। वो ऐसा ही करेंगे, बहुत जिद्दी हैं। निशा बेटा थोड़ा सब्र तो करो। क्या अम्मी वो इसे क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? तुम्हारे खालू का फोन आया था, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर एक महीने में आर्यन का किस्सा खत्म नहीं हुआ तो वो ये मंगनी तोड़ देंगे। और रोहित अगर ऐसा हुआ ना तो तुम देखना मैं नहीं बचूंगी। अम्मी मैं आप लोगों की ब्लैकमेलिंग में आके ना आर्यन को अबैंडन नहीं करने वाला, प्लीज। हाँ और मुझे मरता हुआ देख सकते हो। अम्मी मैं आपको बताने आया था, मैं जा रहा हूँ। निशा चुप ही करो बेटा, अभी मंगनी नहीं टूटी है तुम्हारी, सब ठीक हो जाएगा। तो ये लड़का भी ना कोई बात ही नहीं सुनता है मेरी। चुप हो जाओ। भागो 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 आर्यन, आर्यन भागो, उधर उधर इधर 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 इधर, मुझे नहीं पकड़ना भाई, उधर जाओ उधर जाओ, देखो आर्यन इधर से इधर से इधर से, अरे आर्यन आर्यन पकड़ने नहीं देना, अच्छा इसको हराएंगे हम लोग। आर्यन इधर भागो, पकड़ लिया। अरे भाई अब तो मैं पकड़ी गई, अब क्या करना होगा मुझे? आप पकड़ेंगी, आप चोर हैं। ओ भाई मुझे तो आता ही नहीं खेलना, अब कैसे चोर बनूंगी? अच्छा चलो करके देखते हैं। हाँ चलो भाई। अरे आप कब आए? बड़ी देर से देख रहा हूँ ये तमाशा में, तो आजा। कैसे मेरा बेटा? ये देख मैं क्या लाया, जलेबियां। आप मेरा आईपैड नहीं लाए? अरे आ जाएगा, वो इसका ना टैब टूट गया आज, सारे बात उसी पे लगा रहता है। मैंने सोचा चलो आज जरा बाहर निकले कुछ खेलें कूदें। मैं चाय तो पूछी नहीं आपने आज? बस इसमें मसरूफ हो गई ना यार, मैं तो भूल ही गई। तीन खाने बनाए अम्मी ने आर्यन के लिए। अच्छा बस अब नजर मत लगाओ, जाओ शाबाश आर्यन जाके मुँह हाथ दो, चलो जाओ। और ये जलेबी भी निकाल देना प्लेट में। अच्छा ये लो। तुम तो पुरानी वाली शगुफ्ता हो गई हो, मैं तो भूल ही गया था बेटा जो नहीं था मेरे पास, वरना आपसे और इस घर से क्या नहीं मिला मुझे, बस एक बेटे की कमी थी। सच्ची जब आर्यन मेरे साथ रात को सोता है ना तो मेरी ममता को ऐसा सुकून मिलता है कि क्या बताऊं। अल्लाह पाक सुनने वाला है, उसने ये मुराद भी पूरी कर दी। सुनिए मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना हम आर्यन को गोद ले लें। इस बच्चे को बड़ा करते करते मैं तो गुजर ही जाऊंगा। अरे ये आपने उम्र की क्या बात कर दी, अभी तो मैं 36 की भी नहीं हुई हूँ। शगुफ्ता बेगम, ये जो पराए बच्चे होते हैं ना, ये शुरू शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, बाद में बोझ बन जाते हैं, बोझ। तुम्हारा मिजाज ऐसा नहीं है भाई। अरे मैं कह तो रही हूँ आपको, बेटा ना होने की वजह से मैं चिड़चिड़ी हो गई थी, लेकिन अब आर्यन आ गया है ना, देखिएगा मैं बहुत बदल जाऊंगी। और अब आप मुझ पे शक कर रहे हैं, मेरी भी कोई अरमान है कि नहीं? आप तो शायद ये भूल ही गए हैं कि आज से 10 साल पहले आरिफ अपनी विलादत से पहले ही चला गया था। और इस कुछ के बीच में हमारा रिश्ता कहीं फिट होता है कि नहीं? सारे काम मेरे करने के नहीं है, और आप तो ड्रामे बनाते हैं ना, गैर मामूली बातों को मामूली बना के पेश करते हैं, उससे कमाते हैं आप, तो आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। और आर्यन मेरे सेट का प्रॉप नहीं है जिसके बगैर सीन हो जाए, आर्यन मेरे ड्रामे का स्क्रिप्ट है जिसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। देखो निशा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए हल्की सी भी मोहब्बत है ना, तो तुम्हें अपने दिल में उसके लिए जगह पैदा करनी होगी। वो तुम्हारा बेटा होता ना तो बात कुछ और थी। निशा वो मेरा ही बेटा है समझो, तुम बस अपने पेरेंट्स को मनाओ। नहीं मानेंगे। तो ठीक है फिर, जो खुदा चाहेगा बस देखी जाएगी। कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अच्छा तो कर लो भाग के शादी। Are you serious? तुम्हारा मसला क्या है? शादी तो मेरे साथ करनी चाहती हो, तुम्हारी अम्मी अबू मानते नहीं है,
फिर मैं कहता हूँ भाग के शादी कर लो, वो तुमसे होगा नहीं। फिलहाल सबसे बड़ी मुसीबत आर्यन है। वो मुसीबत नहीं है, he's like a son to me, commitment है मेरी। एक्स्ट्रा बैगेज है। तो क्या करूँ उस एक्स्ट्रा बैगेज का मैं? उतार दो, सिंपल। उतार दो। समर क्या सोचेगी? तुम शादी मुझसे कर रहे हो या समर से? आगे के साल तुम्हें मेरे साथ गुजारने। घर बेचो, कर्ज अदा करो, आर्यन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकलो और मुझसे शादी करो। ऑर्डर कर ले। हाँ ऑर्डर ले ले। क्या ऑर्डर? कुछ भी। ये सीन तो हम कर चुके हैं। सर अस्सलाम। सर सर बैठे। अस्सलाम। सब ठीक चल रहा है? सब ठीक है, मगर मुझे उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आई। किसकी? हमारी हीरोइन की? जी। हामिद, हीरोइन चाहे जैसी भी हो, उसको बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है ना? जी सर। मैं स्क्रिप्ट ले गया। क्या बात है, आजकल फोन भी नहीं उठा रही, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही। बिजी हूँ आजकल मैं। और नाराज भी? जी नाराज भी। जबकि नाराज तो मुझे होना चाहिए था, हालांकि तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया। मैं नहीं चाहता कि तुम एक तरफा सोच में उलझी रहो। तुम मुझसे इस काम के जरिए मिलियो, ये तुम्हें डिफाइन करता है। जी, मगर मेरी डेफिनेशन कुछ और भी है। आज से 3 महीने पहले मुझे सारी बातें अच्छी लगती थी, मगर अब नहीं। अब हालात बदल गए। पहले मैं आर्यन की माँ हूँ, फिर कुछ और। और इस कुछ के बीच में हमारा रिश्ता कहीं फिट होता है कि नहीं? सारे काम मेरे करने के नहीं है, और आप तो ड्रामे बनाते हैं ना, गैर मामूली बातों को मामूली बना के पेश करते हैं, उससे कमाते हैं आप। तो आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? और आर्यन मेरे सेट का प्रॉप नहीं है जिसके बगैर सीन हो जाए। आर्यन मेरे ड्रामे का स्क्रिप्ट है जिसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तुमको एक शेर सुनाए। तुमको चाहे, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहे, मेरा दिल फेर दो, मुझसे ये सौदा हो नहीं सकता। सर आपस की बात है, जब ये लड़कियां माओं का पहनावा अपना लेती हैं ना, तो बहुत खतरनाक हो जाती हैं। कुछ तो खुदकश बम्बार जैसी हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो। उधर निशा हाथ से निकले जा रही हो और तुम होके गैरों के चक्कर में पड़े हुए हो। अम्मी गैर? किसकी बात कर रही हैं आप? आर्यन गैर नहीं है, उमेर का बेटा है, मेरा भतीजा है, बल्कि मेरा ही बेटा है वो। और आप आंटी को साफ साफ ही कह दीजिए कि मैं आर्यन को बिल्कुल गिव अप नहीं करूंगा। तुम होश में तो हो या उस समर ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है? अम्मी अगर समर ने मुझे पट्टियां पढ़ाई होती ना, तो मैं उससे शादी कर चुका होता। चलो आ जाओ। अरे मेरी बारी, मेरी बारी। चलो चल चलो, चारों तीन साथ, तीन इसको चल लो। हाँ हाँ बस बस, चार इसको चल लो। चलो, ये 6 से मैंने खोली और ये 4 से ये आ गया। मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठे हो। आपने कहा था ना कि आपको मेरे साथ घूमने जाना है। नहीं ना समर आंटी, मुझे बाहर मजा नहीं आता, मुझे बाहर नहीं जाना। आपको पता है इस घर में एक तोता और चिकन्स हैं। अच्छा, तो आपने गूगल को छोड़ के अब मिट्टू के साथ खेलना शुरू कर दिया। अरे भाई, आज तो दावत है इनकी, नानी अम्मा ने बुलाया है इन्हें। आपको पता है आपा तो जल भून के राख हो गई है कि भाई बच्चा मुझसे कैसे हिल गया।
बच्चे के लिए रस्साकशी हो रही है। सच बात, 10 माएं मिलकर भी एक माँ की कमी पूरी नहीं कर सकती। मगर कोशिश तो की जा सकती है ना। हाँ ये तो है। अच्छा मेरी बारी, लाओ लाओ लाओ, लाओ, लाओ। चले मुझे देर हो रही है, निकलना है, आप लोग बैठे। खैरियत से जाओ, अल्लाह हाफिज। ये कौन जीत रहा है भाई? ये छे नहीं आया था, चार था। अरे चार हो तो छे होते ना। नहीं नहीं ऐसा भी कोई छे नहीं होता, एक साथ आना जरूरी थोड़ी होता यार। चीटिंग कर रहे हैं। चीटर, चीटर। क्या बच्चे को बेवकूफ बना रहे हैं आप? चलो ये सिक्स आ गया मेरा। वरना मेरी किसी के आगे चलती नहीं है। आपका वाला हाल है मेरा? एक हाल है मेरे पास कि मैं और शगुफ्ता इस बच्चे को गोद ली। जाओ देखो जरा अपनी अम्मा को, आर्यन से ऐसे प्यार कर रही है, ऐसे जान निछावर कर रही है अपनी। हमें तो कभी इतना प्यार नहीं दिया, कभी घर पे आओ तो ऐसे जिल्लत करती हैं, धुतकारती हैं। सब कुछ बिक भी गया ना, फिर भी हाथ में कुछ नहीं आएगा। देखो मेरी अम्मी ना सच्ची मोहब्बत करती हैं आर्यन से। तुम्हारी अम्मी की खैर है, ये ना उस चक्कर में अम्मी और फुप्पो की लड़ाई हो जाए। फुप्पो वैसे भी बहुत पजेसिव है आर्यन के मामले में, वो तो रोहित भाई को भी उसके पास नहीं आने देती। रोहित भाई ना बड़े छुपे रुस्तम है, वो चुपके से आर्यन को कनाडा ले जाएंगे। सच्ची? हाँ लेकिन सीक्रेट है, उनके वैसे ही बहुत एहसान आते हैं हम पे। वैसे बहुत ही बेगैरत इंसान हो तुम, कैसे डोरे डाल रहे थे तुम निशा पर। अरे भाई तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला? Nearest is dearest. अरे तुम तो मान भी गई। वैसे तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊं, लेकिन चलो मान गई ना। अच्छा ज्यादा बातें ना करो, मेरे लिए प्लीज पानी लेके आओ। हेलो बहुत प्यार से कह रही हूँ, प्लीज। ऐसा नहीं होगा जैसे तुम सोच रही हो, वो तुम्हें रिप्लेस नहीं करेगी, बस शी विल बी लाइक अनदर मदर टू आर्यन। अगर तुम सोच रहे हो आर्यन को अपने साथ कनाडा ले जाओगे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने ऐसा सोचा भी। तुम ऐसे मैं सोच रहा था कि मारिया और मैं चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, तो अगर हमारी शादी हो जाती तो आज जो आर्यन को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो जो डिवाइडेड सा फील कर रहे हैं, वो ना होता। आई मीन जस्ट सेइंग। हो सकता है वो सही हो, मगर ज़ियान और निशा भी इतने बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं वो दोनों भी। बुरे तो हम हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बिल्कुल उस वो फैमिली की तरह है। वो नहीं वो जो मोटरसाइकिल में जो एक कपल होता है मियाँ बीवी और साथ में आगे एक बच्चा बैठा होता है, वो जो आराम से जा रहे होते हैं, बिल्कुल। तुम मजाक उड़ा रहे हो। मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, जो आइडियल फैमिली का एक फॉर्मूला है वो बता रहा हूँ।
देखो इनको, बिल्कुल कुर्बानी के बकरे की तरह लग रहे हैं दोनों। और ये तुम्हारा जो ज्ञान है ना, ये आर्यन से ज्यादा निशा पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये जो तुम प्लानिंग करी ना सारी आइडियल फैमिली वाली, ये ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, हार जाओगी तुम। है? मजा आया? मजा आया। चलो चले, है ना? चलो वापस चलते हैं। हेलो निमो खाला, कहाँ से आ रही हो? फैमिली डेट से। आज मेरा ज़ियान का इम्तिहान था कि हम आर्यन के साथ किस तरह बॉन्डिंग करते हैं। और ये आइडिया किसका था? पता नहीं, दोनों का ही होगा। दोनों की पूरी कोशिश है कि हम दोनों भाग जाएं, इस रिलेशनशिप में रहे ही नहीं। रोहित के पास इतनी अकल नहीं है, ये समर ही है जो उसे खींचती रहती है। निमो खाला, उस बच्चे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना भगाया है उसने आज मुझे, मैंने एक चीज नहीं खरीदी। और रोए, उसे तो मैं नजर ही नहीं आती उसके सामने। आओगे? इसका एक हल है मेरे पास। जैसा मैं कहती हूं वैसा कर दीजो। क्या बातें हो रही थी ज्ञान से? कुछ नहीं, लग तो रहा था जैसे बहुत बातें हो रही हैं। कह रहा था अगर एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो आ जाओ, उसे मेरी स्माइल पसंद आ गई। अच्छा, आर्यन के साथ कैसे है वो? अच्छा है, तुमसे तो बेहतर है। अच्छा, और तुम समर से बेहतर हो? तुम्हारे लिए, आर्यन के लिए। देखो, अगर मुझे समर से शादी करना होती ना तो मैं मारी उमैर के होते हुए कर लेता। वैसे तुम्हें अपने दिल में आर्यन के लिए जगह बनानी होगी आहिस्ता आहिस्ता। कैसे बनाऊं? ऐसा करती हूँ, सर्जरी करा के बड़ा सा कमरा बनवा लेती हूँ उसके लिए। I'm serious. So am I. निशा बेटा, निशा बेटा, तुम क्यों मरना चाहती हो? बाहर आओ। मेरे जीने का फायदा भी तो कोई नहीं है। रोए, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जा जाके कनाडा के लिए सीट्स बुक कराओ, हम जा रहे हैं यहाँ से। ये मरना चाहती है। क्यों? पापा ने वहाँ उसके लिए एक लड़का देख लिया और ये तुम्हें नहीं छोड़ सकते। ये देखो यार, निशा क्या हो गया? बात तो सुनो, बाहर तो आओ। अल्लाह ने तुम पर जिनकी जिम्मेदारी दी है ना, उनके बारे में सोचो। आर्यन की जिद छोड़ दो, समर पाल लेगी उसे, तुम पैसे भेजते रहना। लेकिन निशा, बाहर आके बात तो सुनो ना। पापा ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी, इसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? जाओ देखो कौन है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इसको तुम निकाले। तुम जाकर देखो ना, मैं संभालती हूँ इसको। जाओ। निशा आ जाओ। क्या? बेचारा मेरा बेटा, इतना सा मुंह निकल आया था उसका, बिल्कुल अपने बाप की तरह डरपोक। चलो चलो, थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा। मेरा बच्चा नहीं प्यारा सा, थोड़ा सा पी लो, फिर मुर्गियों को दाना डालेंगे, है ना?
और वो तोते को भी तो खाना खिलाना था। हाँ आज मैं अमरूद लेकर आई हूँ बड़ा वाला, वो तोते को डालना, ठीक है, वो उसको पसंद है। शाबाश शाबाश, बस लास्ट है लास्ट, ये मेरा बच्चा शहजादा। नाम है साहब का, शाबाश। और देखो मैं कितनी सारी चीजें लेकर आई हूँ है, आज ना हम अंग्रेजी खाना बनाएंगे तुम्हारे लिए जो तुम्हें पसंद। लो आ गई नानी तुम्हारी, जल रही है हमें देख देख के। देखो तो हेलो, मैं क्यों जलूंगी, मुझे क्या जरूरत है जलने की। शगुफ्ता मुझे समझ आ गई तुम्हारी, अहमर के अब्बा बिल्कुल सही कहते थे, फूल तुम कभी शगुफ्ता से जीत नहीं सकोगी। तो फिर सुनी क्यों नहीं, सुन लेती ना उनकी। चल शाबाश जाओ बेटा खेलो, फिर कबूतर को दाना भी डालेंगे। शाबाश, वाह बड़ा प्यार आ रहा है बच्चे पे। शगुफ्ता मुझे रस्ते से हटाकर अकेली सारी चीजें हड़प करोगी। सुनो शगुफ्ता, अगर तुमने मेरे अहमर के हक पे डाका मारा ना तो अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। अकेले ये चीजें हड़प नहीं कर पाओगी, वो तुमसे जरूर पूछेगा। आपा बहुत वक्त दिया था मैंने तुमको बच्चे के साथ कि उसके दिल में इतना सा अपना प्यार जगा सको, मगर तुम्हें तो प्यार की जबान आती ही नहीं। मासूम सा बच्चा, उसको कुछ हो जाता तो तभी तो हमको आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ना पड़ा। अब आ गई है हक जताने, जाओ अंग्रेजी खाना बनाना है मुझे। अंग्रेजी खाना बनाना, कभी देसी खाना तो सही तरह खाया नहीं है, अंग्रेजी खाना। जल जल कहीं मर जाना, एक दिन आग लगी नजर आएगी। बताओ भैया तुम लोग बताओ। मैंने सोचा कि समर के सामने तो सब बात नहीं हो सकती, तो खुद ही आ गया। भैया फ्रेंकली मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने निशा से शादी नहीं की तो मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हो जाएगा, और अगर मैंने शादी डिले की तो निशा के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर देंगे, और पॉसिबल है कि निशा जहर भी खा ले। तुम्हारी शादी तो बहुत सो को मौत के घाट उतार रही है भाई, एक बार हिम्मत करके खुल के बात क्यों नहीं करते हो? इससे ज्यादा हिम्मत मैं नहीं दिखा सकता, ये जो आप देख रहे हैं सिर्फ जाहिरी है, वरना मेरी किसी के आगे चलती नहीं है। आपका वाला हाल है मेरा, एक हल है मेरे पास कि मैं और शगुफ्ता इस बच्चे को गोद ले। समर को भी कोई इतराज नहीं होगा, और इस तरह मेरी बहन के हाथ भी पीठ हो जाएंगे, वरना कल को ज्यान भी वही इतराज कर सकता है जो निशा कर रही, और हो सकता है मोहतरमा ज्यान को छोड़ भी दे। पता नहीं, मुझे लगता है सारी टेंशन में मुझे कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। एक बच्चा दो बार यतीम होगा। खैर आप बात कर लें समर से, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेगी। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हो, और मैं समर को तुमसे बेहतर जानता हूँ, पाला है मैंने उसे। तुम बताओ, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है ना? नहीं अब नहीं, मुझे तो कोई इतराज नहीं। बेटा बच्चे किसी भी सांसे में ढल जाते, जो मोहब्बत देता है उसके हो जाते। तुम थोड़ा वक्त तो दो। अगर भाई वो मुझसे, तुम देख रहे हो कितना हिल गया है हम लोगों से, हर गुजरते लम्हे के साथ हमें अपना रहा है, शगुफ्ता के साथ कितना दिल लगने लगा है उसका। बेटा कुछ दिनों में हमें अपने माँ बाप समझने लगेगा। रोहित की अम्मी का भी यही ख्याल है, तुम इतने पैसे कमाते कमाते मर जाओगी, ये काम अधेड़ उम्र में करने के होते हैं। मैं तुम्हें यूं जाया नहीं होने दूंगा, बेटी हो तुम मेरी, शादी करो, अपने घर की हो। मैं और शगुफ्ता आर्यन को गोद ले लेंगे। मैं शादी कर लूं, आर्यन को गिव अप कर दूं, मैं ये नहीं कर सकती भाई। तो अपने भाई को गिव अप कर सकती हो, और तुम्हारी वो भाभी जो इतने बरसों से बेटे के ख्वाब देख रही है, वो उसको रहने दो। मैं मुझे सारा मिल जाएगा, ये बात तुम्हें मंजूर नहीं है? सारा भरोसा नहीं है तुम्हें मेरे ऊपर? देखो समर, अगर मैं तुम्हारा नहीं हो सकता तो दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं हो सकता।
बेटा मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ। मगर रुवेद कभी नहीं मानेगा, कस्टडी उसके पास भी तो है ना भाई। रुवेद को कोई एतराज नहीं है। क्या इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात? हैरानी तो मुझे उसकी बेहसी और खुदगर्जी पर हो रही है भाई। कल तक वो उसे इस इलाके में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और आज वो आपसे ये सब कुछ कह रहे घर बुलाकर। आसानी से सब कुछ कैसे कर सकता है भाई? आर्यन मुझसे और रुवेद से बहुत ज्यादा क्लोज है भाई। बेटा बच्चे किसी भी सांसे में ढल जाते, जो मोहब्बत देता है उसके हो जाते। तुम थोड़ा वक्त तो दो। अगर भाई वो मुझसे, तुम देख रहे हो कितना हिल गया है हम लोगों से, हर गुजरते लम्हे के साथ हमें अपना रहा है, शगुफ्ता के साथ कितना दिल लगने लगा है उसका। बेटा कुछ दिनों में हमें अपने माँ बाप समझने लगेगा। आंटी मुझे रोहित अंकल से बात करनी है। बेटा अभी मैं बात कर रही हूँ ना। नहीं मुझे अभी रोहित अंकल से बात करनी है, मेरा वीडियो गेम खो गया है। आर्यन आप ये लो, उनसे अभी बात कर लो, ये लो जाओ। देखा आपने ये रुवेद मुझसे कितना ज्यादा अटैच है, अपने माँ बाप के बाद ये हमें ही अपनी फैमिली समझता है। उन सब बातों के बावजूद बेटा सोचना जरूर। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। क्या कहा समर के भाई ने? यही कि निशा को अब गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो और भाभी आर्यन को गोद लेने के लिए तैयार है। तो क्या तुम उदास हो? क्यों नहीं होना चाहिए मुझे? अगर आईंदा तुम्हें गोली खानी हो ना तो चुपचाप खुद खा लेना, मरने वाले शोर में जाके नहीं मरते। ये जो कह रहा है इसे कहने दो, खावर बहुत समझदार आदमी है और फिर उसकी बहन का भी तो फायदा है ना, जो वो कर रहा है हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मगर रोहित तो अपसेट है ना। निशा बेटा तुम खामोश रहकर बस तेल देखो, तेल की धार देखो, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, दीवानों के साथ दीवाने नहीं हुआ जाता। चलो खाना खाओ। आज सारा दिन गुजर गया, समर ने एक मैसेज तक नहीं किया, ना आर्यन की कोई तस्वीर व्हाट्सएप की। क्या करूं? कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ रोहित अंकल, मुझे गेम चाहिए रोहित अंकल। अच्छा गेम चाहिए तुम्हें? जी मुझे गेम चाहिए। और अभी समर आंटी रोहित अंकल मेरे लिए गेम ला रहे हैं। नहीं वो बोलिए नहीं। ये तुम किससे बात कर रहे हो? समर आंटी मना कर रही हैं, आप खुद बात कर ले। लेकिन वो क्यों मना कर रही हैं? अच्छा तुम स्पीकर फोन पे करो, मैं बात करता हूँ उनसे। हेलो समर, हेलो
वो बात नहीं कर रही, चली गई। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, चलो हम बात कर लेते हैं। लेकिन रोहित तक का मेरा गेम। हाँ गेम गेम गेम। हाँ वो मैं सोच रहा था कि अभी देखो कुछ ही दिनों बाद जो है वो सी गेम का लेटेस्ट वर्जन आने वाला है, तो क्यों ना उसका इंतजार किया जाए। हाँ पुराने वर्जन खेलने का क्या फायदा। ओके बाय। वो मम्मी बता रही थी कि निशा ने नींद की गोलियां खाने खुदकुशी पर उतर आई जब जाके रोहित भाई माने, वरना वो तो आर्यन को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। आर्यन को रोहित की जरूरत नहीं है, मैं पाल लूंगी उसे, मैं हूं उसके पास। तुम मेरी बहू नहीं हो और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, और कानूनी हैसियत से मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ रोहित से मिल भी सकती हूँ, बात भी कर सकती हूँ। मेरे भागने से आर्यन को नहीं तुम्हें फर्क पड़ता है, आर्यन के पीछे छुपने की कोशिश मत करो। या तो आर्यन नहीं या फिर हम नहीं। और आप और निशा हम कब से हो गए एक कश्ती के सवार हैं, इसलिए।